नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के दोगुने से 48 डिग्री कम है तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। देखिए एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई, आमने सामने कोण बराबर होते हैं तो ये एंगल भी वाई और सामने का एंगल क्या रहेगा एक्स, ठीक है ना। चारों कोणों का योग समांतर चतुर्भुज में कितना होता है 360, ठीक है। तो हम दो एंगल का सम निकालेंगे तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा 180, ठीक है ना। तो ये क्या कौन सा एंगल है, बड़े वाला एंगल, बड़ा एंगल, ठीक है, और ये क्या है छोटा एंगल, ठीक है। तो छोटा एंगल मैंने एक्स मान लिया, ठीक है ना। तो वाई की वैल्यू यानी बड़े एंगल की वैल्यू कितनी दी हुई है, सबसे छोटे एंगल के दो गुने से 48 कम, यानी ट्वाइस एक्स -48 डिग्री, ठीक है। और दोनों एंगल का जोड़ कितना है 180, यानी एक्स +2x -48 किसके इक्वल आ जाएगा 180 के, ठीक है। तो 3x किसके इक्वल आएगा, 48 इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 228, राइट। तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 से 21, 3 6 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 76 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 76 डिग्री, और हमें तो सबसे बड़ा कोण निकालना था यानी y की वैल्यू निकालनी थी। y की वैल्यू कितनी रहेगी 180 -76, यानी y की वैल्यू आ गई मेरे पास 104 डिग्री, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है।